गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कविता। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर। लेट्स स्टार्ट। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। देखिए, जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी के उस सरफेस पर जहाँ पर क्या होती है, चट्टानों की एक ठोस परत होती है, सॉलिड क्रस्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, लिथोस प्लस स्फीयर। लिथोस का मीन्स होता है रॉक और स्टोन, और डोमेन का मीन्स होता है, स्फीयर का मीन्स होता है डोमेन। इसलिए लिथोस्फीयर को हम रॉक स्फीयर कह के भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर को एक अनियन के साथ में कंपेयर किया गया है। जिस तरीके से अनियन में काफ़ी सारी परत होती है, सेम उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्टिव लेयर पाई जाती हैं, और कई सारी लेयर्स को मिलकर ही हमारी पृथ्वी बनी हुई है, हमारी पृथ्वी बनती है। पृथ्वी के ऊपर पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको अर्थ सरफेस कहते हैं, और अर्थ सरफेस का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। सेकंड लेयर को मेंटल कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कोर कहते हैं। तीनों को हम एक एक करके बात करेंगे, इनकी तीनों को एक एक करके समझेंगे कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की, जिस पर हम रहते हैं। ये वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है जिस पर हम रहते हैं, और हमारे द्वारा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो इसी लेयर पे की जाती है। अगर इसमें कॉन्टिनेंटल की डेप्थ की बात करें तो कॉन्टिनेंटल की जो डेप्थ होती है वो 35 किलोमीटर होती है, क्योंकि इस लेयर को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल तथा ओशियन फ्लोर। तो कॉन्टिनेंटल की डेप्थ जो होती है वो 35 किलोमीटर होती है, और ओशियन फ्लोर की बात करें तो ओशियन फ्लोर ओनली 5 किलोमीटर की डेप्थ होती है इसकी। ओशियन फ्लोर मीन्स होते हैं पानी के नीचे का जो सरफेस होता है ना, उसे ओशियन फ्लोर कहते हैं। अब दोनों की मिनरल्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल मास में सिलिका और एल्युमिनियम होता है, सिलिका का SI और एल्युमिनियम का AL। इन दोनों को निकालकर अगर एक साथ लगा लें तो इससे बन जाता है Cl। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ओशियन क्रस्ट में सिलिका तथा मैग्नीशियम मिनरल मिलते हैं। अब यहाँ पर भी ओशियन क्रस्ट के में जो सिलिका और मैग्नीशियम मिनरल मिलते हैं, सिलिका का SI और मिनरल का मैग्नीशियम का MA, इन दोनों को निकाल ले तो बन जाता है सीमा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनको आप याद करना कि कॉन्टिनेंटल मास में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, और इनकी इनको दोनों को निकाल के एक न्यू वर्ड क्या बनता है। सेम इसी तरीके से ओशियन क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है। अब हम बात करेंगे मेंटल की, जो सेकंड है, ये सेकंड लेयर है मेंटल। क्रस्ट के नीचे जो लेयर मिलती है उसे कहते हैं मेंटल, और इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है वो कहाँ पर है, वो साउथ अफ्रीका में है। वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब हम बात करेंगे कोर की। कोर ये डीपेस्ट और मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन है पृथ्वी की, और यह अर्थ इसका टेम्परेचर और इसके प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। कोर की डेप्थ की बात करें तो दो गुना होती है ये मेंटल से। मेंटल की डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर,
तो कोर की जो डेप्थ होती है वो मेंटल से दोगुनी होती है। और इसमें जो मिनरल्स बने होते हैं यानी कि जो कोर बना होता है, ये दो मिनरल्स से मिलकर बना होता है, निकल तथा आयरन। आयरन को टेक्निकल फॉर्म में फेरर कहते हैं, तो निकिल का Ni और फेरर का Fe निकाल कर इसको बोला जाता है निफे। इसको भी आपको याद रखना है कि निफे किन दो मिनरल्स को मिलाकर बनाया गया है, तो याद रखना निकिल, और निकिल का जो आयरन, निकिल का जो टेक्निकल फॉर्म है उसका, सॉरी, आयरन का जो टेक्निकल फेरर है उसको बोलते हैं निकिल, और फेरर का जो है Fe निकाल लेते हैं तो बन जाता है हमारा निफे। अब हम बात करेंगे मिनरल्स ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मटेरियल। देखिए अर्थ की जो क्रस्ट है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि रॉक्स तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आप सभी जानते हैं, रॉक्स के अंदर मिनरल्स और मेटल पाए जाते हैं, ये रॉक ही मिलकर क्या बनाती हैं, अर्थ क्रस्ट बनाती हैं। अब क्रस्ट और लिथोस्फीयर के जो मटेरियल्स होते हैं जनरली उन्हें ही क्या बोला जाता है, रॉक बोला जाता है। और रॉक को हम, रॉक्सफियर को हम लिथोस्फीयर या लिथोस्फीयर को हम रॉक्सफियर के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं, और लिथोस का मीन्स क्या होता है, रॉक या फिर स्टोन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स की, रॉक्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है इंटू थ्री पार्ट्स में, फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स, ये कैसे बनती हैं। जो लावा होता है, जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो अर्थ से बाहर आता है तब वो मॉल्टन मैग्मा सॉलिड हो जाता है, यानी कि जैसे ही लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ आता है तो पृथ्वी के सरफेस पर जैसे ही वो आता है तो वहाँ पर कैसा हो जाता है, वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। फिर वो सॉलिड होकर रॉक की फॉर्म ले लेता है, तो उसे प्राइमरी रॉक कहते हैं या फिर इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक। अब इन दोनों टाइप्स के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं कि इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है। देखो इंट्रूसिव, इन से ही आपको पता चल रहा है कि इनका मतलब क्या है, अंदर की तरफ, और एक्स मीन्स आउट, मतलब बाहर की तरफ, यानी कि इन अंदर की तरफ रॉक बनाता है और एक्स बाहर की तरफ रॉक्स बनाता है। इंट्रूसिव रॉक क्या है, जब रेड मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी के अंदर से, तब यह अर्थ की सरफेस पर आकर कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, सूख जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और फिर रॉक का फॉर्म ले लेता है। जैसे ही ये पृथ्वी के सरफेस पर आता है, ठंडा होकर कैसा हो जाता है, ये सूख जाता है और किसकी फॉर्म ले लेता है, रॉक की फॉर्म ले लेता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक्स का, बेसाल्ट। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव रॉक की। एक्सट्रूसिव रॉक जो होता है ये अर्थ के अंदर ही सॉलिड हो जाता है, यानी कि अर्थ के अंदर ही ये जम जाता है, जो मैग्मा वो अंदर ही एक रॉक बना लेता है, चट्टान बना लेता है, उसको ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनते हैं, तो देखिए जब रॉक का कोई पार्ट रोल डाउन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाता है, या फिर क्रैक होकर या आपस में टकराकर गिरते हैं, या छोटे छोटे पार्ट्स में टूटकर इनके स्मॉल फ्रेगमेंट मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, तो उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहा जाता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको ही क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स कहा जाता है। अब हवा और पानी जैसे ही इनके संपर्क में आते हैं तो हवा और पानी इनको कलेक्ट करते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना इनको एक तरफ ले जाकर जमा करते रहते हैं, और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि वो एक तरफ जमा हो जाती हैं, जम जाता है, तो वही किसका रूप धारण कर लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं। एग्जाम्पल सैंड स्टोन्स, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। सैंडी में आपको प्लांट्स एंड एनिमल के फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे,
यानी कि डेथ पार्ट जो होते हैं, डेड पार्ट जो होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बने हैं? देखिए, जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर हो जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। यानी कि जब उसके अंदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मॉर्फ मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ में बदल जाना। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, क्ले को चेंज किया जाता है स्लेट में और लाइमस्टोन को चेंज किया जाता है मार्बल में। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल भी वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ रॉक्स की बात करेंगे, ये रॉक्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो ये खनिजों का भंडार है और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो प्राप्त होते हैं फॉसिल फॉइल्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा, ये सेडिमेंट्री में ही मिलते हैं हमें। सेकेंड है, जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनसे हम घर, रोड, बिल्डिंग्स बनाते हैं और चिल्ड्रन भी इन स्टोन्स का यूज़ करते हैं मोस्टली गेम वगैरह खेलने में, फिट्टू वगैरह खेलते हैं जिनको सेवन स्टोन्स भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रॉक्स, रॉक्स कैसे फॉर्मेड होती हैं और ये साइकिल किस तरीके से चलती है। तो एक रॉक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है और इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये कभी नहीं रुकती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। कैसे? तो बता रही हूँ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। जब मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है तो जम कर यह बन गई है इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब इन जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूट गया है तो अब इन स्मॉल पार्टिकल्स को विंड और वाटर के द्वारा कैरी कर लिया जाता है और कैरी किए गए पार्ट जो होता है वो जम जाता है और ये जम कर किसका रूप ले लेते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ग्रेट हीट और प्रेशर होता है तब वो किस में बदल जाते हैं? वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का रूप धारण कर लेते हैं। और जब मेटामॉर्फिक के अंदर हीट ज़्यादा होती है तब वह मैग्मा बन जाती है। यानी कि इस तरीके से ये साइकिल है हमारी, रॉक साइकिल है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।